एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका जो काउंटर पार्ट है या फिर आप जिसको अपना डिवाइन पार्टनर कहते हैं, क्या वो, या फिर जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर कहते हैं, मानते हैं, क्या वो मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग, नार्सिसिस्टिक हो सकता है क्या, इसको लेके ये वीडियो है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम, हमने किसी से रीडिंग कराई थी या हमने किसी से काउंसलिंग कराई थी और उन्होंने कहा था, हमने बताया कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये है, वो है, नार्सिसिस्टिक है, और इससे मिलने के बाद ही हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, इससे मिलने के बाद ही हम इसे जानते हैं और उसे भी ऐसा लगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अपोजिट कैरेक्टर है, जैसे मैं हूँ उससे बिल्कुल अपोजिट है, ये चीज़ों से रन करता है या रन करती है, ये मल्टीपल कनेक्शंस में है, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सकर है, ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है, बट और बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक भी है, बट इसको कनेक्टिविटी होती है मेरे साथ, लेकिन उसके बाद ये भाग जाती है या भाग जाए, ये गलत चीज़ों में ज़्यादा प्रेफर करता है या गलत एडिक्शंस में ज़्यादा प्रेफर करता है कंपैरिजन टू चीज़ों को, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आना या अपने आप को आपकी तरफ लेके आना, अपने रियल पार्टनर, अपने रियल काउंटर पार्ट की तरफ लेके आना। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने तो जहाँ पर काउंसलिंग कराई थी या हमने तो जहाँ रीडिंग ली थी वहाँ पर ये बोला, ऐसा तो डिवाइन पार्टनर हो ही नहीं सकता आपका। सो ये एक डिवाइन जर्नी है जहाँ पे शुद्धिकरण प्रोसेस होता है, और वो कोई भी इंसान डिवाइन कहलाने लायक तब होगा, डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन तब होगा जब वो शुद्धिकरण प्रोसेस में जाएगा या उसको अपना वो शुद्धिकरण करेगा। अगर वो बंदा या कोई भी बंदी या कोई भी पर्सन जो इस जर्नी में है, इस यात्रा में है, अवेकन होने के बाद अपने शुद्धिकरण प्रोसेस को फॉलो कर ही नहीं रहे, अपने अंदर की कमियों को या अपने अंदर की गंदगी को या अपने अंदर की अशुद्धि को साफ कर ही नहीं रहे, डार्कनेस को ख़त्म कर ही नहीं रहे, उस पर काम कर ही नहीं रहे, अपने शैडो साइड्स को समझ ही नहीं रहे, और अगर समझना शुरू भी हो गया है तो उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो डिवाइन कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, अवेकनिंग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बन गए, अवेकनिंग हो जाने का मतलब ये है कि नाउ यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ शुद्धिकरण, और अगर आप उस शुद्धिकरण प्रोसेस में अपनी चीज़ों को ठीक करते चले जाते हो तो आप देखते हो कि यूनिवर्स आप पे मतलब आपकी लाइफ जो है प्रोग्रेसिव होने लग जाती है, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाने लगती है, और आप अपने आप को खुद ही फील करते हो कि पहले मुझ में इतनी डार्कनेस थी, पहले मैं ऐसे बिहेव करता था, पहले मैं ऐसे बिहेव करती थी, इतना अजीबोगरीब, और अब वो सब चीज़ें नहीं है मेरे अंदर। तो तब जब आप वर्क करते हो तब आप डिवाइन नाम जोड़ सकते हो अपने आप के साथ। तो बहुत सारे लोग, किसी लड़की ने, कोई थी नीचे कमेंट बॉक्स में, उन्होंने लिखा था कि मेरा जो ट्विन पार्टनर है वो मेरा हस्बैंड ही है, लेकिन हमारी शादी हुई है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है, वो हाथ भी उठा देता है समटाइम, वो अंदर से बहुत अच्छा है लेकिन वो बाहर से बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा उसके इधर उधर वो है, बट इसी से मिलने के बाद मुझे अवेकनिंग हुई है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे इसी के लिए डायरेक्शन दे रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हो सकते हैं। अब ये बात जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी वो मैं नहीं बता रही हूँ, वो जीवात्मा जगत के नियम वाली जो बुक है, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इसमें यहाँ कुछ मेंशन ऐसा किया है जिसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत कि यस, ये हो सकते हैं। और अगर आपने यिंग यांग को भी देखा हो, सिंबल को, तो उसमें आप देखो, वन साइड इज़ वेरी डार्क, अनदर साइड इज़ वेरी वाइट, लेकिन डार्कनेस में भी एक हल्का सा पॉइंट है वाइट का, मतलब कि बुराई में भी थोड़ी सी अच्छाई है, और वाइटनेस में भी छोटू सा एक ब्लैक है। ठीक है, सो ये कहानी ही है अपोजिट कैरेक्टर्स के एक दूसरे के करीब आने की और परिवर्तन की। ट्विन फ्लेम में हो, दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैम मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, मेरा पर्सन भी स्पिरिचुअल है, तो वो लोग नहीं है ट्विन फ्लेम यात्रा में, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एक दूसरे के आसपास आती हैं और वो हैरान होती हैं, और यूनिवर्स उनको अलग ही नहीं होने देता। एक बहुत ज़्यादा डार्क कैरेक्टर होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैथ टाइप का कैरेक्टर होता है, और फिर यूनिवर्स बार बार वो दोनों एक दूसरे से भागना चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से डर जाते हैं एक दूसरे को देख के, वो दोनों देखते हैं कि अगर मैं इसके ज़्यादा करीब चला गया तो
मतलब मेरी 3D लाइफ तो पूरी की पूरी पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स और यूनिवर्स के जो फरिश्ते हैं वो उनको अलग होने ही नहीं देते, कुछ कुछ टाइम में, कुछ कुछ महीनों में फिर उनको सामने ला के खड़े करते हैं, दोनों को मिरर दिखाते हैं बार बार, दोनों को झगड़ाते हैं, दोनों को प्यार कराते हैं, दोनों को दुनिया भर की बातें कराते हैं, फिर दोनों मतलब ड्रामा चलता रहता है। तो दोनों, मैंने जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं जानती हूँ, दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों अपोजिट कैरेक्टर होते हैं। एक एक बहुत ज़्यादा पाक पवित्र होगा, बहुत पाक पवित्र रास्ते पे होगा, तो दूसरा जो है बहुत ज़्यादा डार्कनेस में होगा। एक जो है सिर्फ एक प्रेम में बिलीव करता होगा, दूसरे ने पता नहीं कितने मल्टीपल कनेक्शंस बना रखे होंगे। एक बहुत दिल से सोचता होगा तो दूसरा बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता होगा। एक पानी है तो दूसरा आग होगा। सो इस तरीके का, ठीक है। एक बहुत साफ दिल का है तो दूसरा बहुत मैनिपुलेटिव होगा, ठीक है। ब्यूटी एंड बीस्ट काइंड ऑफ। सो ओके, तो जुड़वा आत्मा नहीं, जो जीव आत्मा जगत के नियम की जो ये बुक है, इसमें जो एक चैप्टर है जुड़वा आत्माएं करके, अब आप इसको सुने, इसमें क्या लिखा है। जीव आत्माएं अपने प्रियजनों को, जिनसे बहुत प्रेम करती हैं, को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए, यानी कि हायर लेवल में ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं, एक्साइटेड रहती हैं। वह हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि वह अपने प्रियजनों को गलत राह से, गलत जिस राह पे वो चल रहे हैं, कभी ना चलने की प्रेरणा दे सकें, ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। तो ये क्या है, जुड़वा आत्मा एक कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें लिखा है कि जीव आत्माएं जो हायर लेवल में हैं, वो हमेशा जो मतलब उनको जो भी उनके प्रियजन हैं, वे गलत राह पे कभी ना जाएं, उसकी प्रेरणा देती हैं ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। यानी कि जो ट्विन सोल्स हैं वो हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती है कि वो अपने प्रियजनों को वो गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सके, ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ गलत राह पे होंगे, तभी वो इतनी कड़ी कोशिश कर रही हैं। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हर आत्मा की एक ट्विन सोल आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक ट्विन आत्मा, यानी कि जुड़वा आत्मा, हायर रेलम पर हो, उच्च स्तर पर हो, और दूसरी निम्न स्तर पर हो, यानी कि लोअर रेलम पे हो। अब लोअर रेलम में कौन सी सोल्स होती हैं, जो अपने कर्म भोग रही होती हैं, जो लेसन्स उन्होंने नहीं लिए, उन लेसन्स को लेने के लिए बार बार यहाँ पर रीइनकार्नेट होती रहती हैं। तो जो लेसन, जो सोल अपने कर्म भोग रही हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा, तभी तो वो यहाँ पे बैठ के बार बार अपने कर्म भोग रही है। कुछ ना कुछ तो बुराई होगी, तभी तो बार बार आना पड़ रहा है, लोअर एलम में ही फंसी हुई है। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है, उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर पर पहुँचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो हायर एलम में होती है, उसको बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वेट करना पड़ता है उस सोल का जो लोअर एलम में है। जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। जो हायर एलम में जो सोल है, उसको अपनी लोअर एलम की सोल को उत्साहित करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस 3D एलम में जुड़वा आत्मा के लिए बड़ा टास्क बन जाता है कि वो अपनी दूसरी सोल को हायर फ्रीक्वेंसी में ले जा सके। सभी जुड़वा आत्मा एक साथ रहना चाहती हैं, जितनी भी ट्विन सोल्स हैं वो सारी एक साथ रहना चाहती हैं, चाहे वो भली हो या बुरी हो। मतलब चाहे आपका ट्विन सोल पार्टनर कितना भी बुरा हो, लेकिन आपके जो हायर एलम की सोल है वो आप ही के साथ रहना चाहती है। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं, पृथ्वी पर जो लोग, जो भी वैसी वाली सोल जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की डायरेक्शंस को नहीं लेते हैं, ठीक है, अपने जीवात्मिक मार्गदर्शन द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वह हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाती है। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। मतलब हायर एलम से डायरेक्शन दे रही है उच्चतम सोल, लेकिन जब सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड से मिलने वाले डायरेक्शंस को ले ही नहीं रहा आपकी ट्विन सोल, तो ये उनके लिए बड़ा टास्क बन जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड में वो क्या करती हैं, बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर होते हैं,
इसीलिए उच्च तर्पस्थी जुड़वा को अपने साथी के लिए 2, 3, नहीं 20, 30, नहीं 200, 300 नहीं बल्कि समटाइम्स 500 से 600 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है, कुछ तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और स्ट्रांग होती है, सच्ची होती है, वह अपने साथी की मदद के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी कभी वो सफल हो जाती है, पर ज़्यादातर केसेस में वह निम्न स्तर पर गिर जाती है। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहती है। तो क्यों हाई रैलम की सोल को निम्न रैलम में आना पड़ रहा है? क्योंकि वो वहाँ से डायरेक्शन भेज रही थी या भेज रहा था वो सोल, बट क्योंकि यहाँ पे उसका वो जो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो सुप्त हो रखा है, तो डायरेक्शन नहीं ले रहा थी वो सोल। और वो यहाँ पे है क्यों, दूसरी वाली सोल यहाँ पे है क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म भोग रही है। क्यों भोग रही है? क्योंकि बुराई है। बट बुराई होने के बाद, चाहे आपका ट्विन सोल कितना भी बुरा हो, जो हायर एलम की सोल है वो उसी के साथ रहना चाहती है। सो समटाइम इन दिस केस, कई बार हायर एलम की सोल जो है दोबारा से रिस्क लेके नीचे आती है ताकि वो इसके लिए डायरेक्टली काम कर सके। पहले तो वो वहाँ से काम कर रही थी ना, अब वो डायरेक्टली काम कर सके, इसलिए वो दोबारा से यहाँ पर रिइनकार्नेट होती है। बट ये अपने आप में रिस्क है, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी वो सफल होती है, बट ज़्यादातर केसेस में वो बता रहे हैं कि असफल हो जाते हैं और कई बार वो भी निम्न रैलम में पहुँच जाते हैं। सो डेफिनेटली जब एक सोल इतनी ऊपर पहुँची हुई है, दूसरी जो है नीचे है। और क्यों नीचे है? क्योंकि अपने कर्म भोग रही है, अपने बुरे कर्मों को भोगने के लिए वो यहीं अटकी हुई है, ऊपर आ ही नहीं पा रही है। 500 से 600 साल लग रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बिल्कुल हो सकता है आपका जो ट्विन सोल है वो डेफिनेटली डार्क एनर्जी में हो सकता है, नार्सिसिस्टिक हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं दोनों के दोनों ट्विन सोल्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, और तो फिर जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं ट्विन सोल तो कभी ऐसे हो ही नहीं सकते, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो गलत फहमी में है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी हैं। प्लीज़ आप इस बुक को पढ़ो, आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। ये बुक वर्ल्ड इतनी ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस हुई ये बुक, आप इस बुक को पढ़ो और ढंग से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये भी लिखा है एक जगह पे कि उच्चतम रैलम की हायर सोल दोबारा से रीइनकार्नेट होती है 3 वजह से, अपने प्रियजनों को मदद करने के लिए। ये सबसे पहले है, उच्चतम रैलम की सोल दोबारा से रीइनकार्नेट होती है 3 कारणों से, अपने प्रियजनों को मदद करने के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा, और तीसरा है पिछले जन्मों के बाकी पड़े कर्मों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हायर एलम की सोल्स का है कि वो दोबारा से रीइनकार्नेट हो रही है प्रियजनों को मदद करने के लिए, पिछले जन्मों के कुछ पड़े हुए पेंडिंग कर्मास को पूरा करने के लिए, एंड थर्ड इज अपनी आध्यात्मिक जीवन कार्य को संपन्न करने के लिए। ठीक है, सो जो लोग सोचते होंगे कि आपका काउंटर पार्ट ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मल्टीपल कनेक्शन में है, मैं इतना पाक पवित्र, मैं इतना सुलझा हुआ, और ये इतने मल्टीपल लोगों के साथ इसका ये है, ये इतना मैनिपुलेटिव है, ये इतना डार्क कैरेक्टर है, ये तो इतना क्रिमिनल काइंड ऑफ कैरेक्टर है, ये है वो है, इतना ज़्यादा माइंड से चलने वाला इंसान है मैं, ये तो बिल्कुल मेरे से अपोजिट है, ये मेरा ट्विन नहीं हो सकता, मेरा ट्विन तो कोई पाक पवित्र होगा। लेकिन ऐसा सोचने के बाद भी आप देखते हो कि आपका ध्यान उसी की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा, वही होता है। बस ये है कि वो यहाँ लोअर रैलम में इतना ज़्यादा फंस चुका है इन सब चीज़ों में कि आपकी सोल ने दोबारा से ये डिसीज़न लिया कि आप यहाँ पे आओगे और डायरेक्टली यूनिवर्स आपको उसके साथ जो है कनेक्ट करेंगे और उस फिर एक यात्रा चलती रहेगी। बट इस पूरी यात्रा में आपको खुद के ऊपर भी बहुत काम करना है, क्योंकि इसमें लिखा है ना कई बारी विफल हो जाते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में वो खुद ही निम्न स्तर पर गिर जाते हैं। तो आपको खुद के ऊपर भी बहुत काम करना पड़ेगा। और डिवाइन आप तब कहें, डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, जब उनके अंदर वो शुद्धिकरण हो चुका हो। उससे पहले डिवाइन कहना अपने आप में ही गलत है, क्योंकि डिवाइन कोई भी इंसान तब बनेगा, डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, जब उसने खुद के ऊपर काम किया हो। लोग आजकल डायरेक्ट, मैम मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, मैं डीएम हूँ, मैं डीएफ हूँ, डीएम या डीएफ नहीं हो आप, सिर्फ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हो। डीएम तब लगेगा या कोई आपको जब कहे कि तुम बहुत ही डिवाइन कैरेक्टर हो, तब आपको समझ आना, क्योंकि वो आपके अंदर की शुद्धता को देख पा रहा है। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जिसको आप कह रहे हैं वो बहुत सारी गलत चीज़ों में हो और आप कह रहे हो कि ये मेरा डीएम है, ये मेरी डीएफ है, नहीं, नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।